चिलेबस एंड ये चिलेबस। तो गाइस कैसे हैं आप सब? हाँ हाँ मुझे पता है आप सब बहुत ओके हो। और तो चलिए आज का भी ये ब्यूटीफुल सा और बहुत ही स्पेशल सा क्यूट सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था ये हमारे प्यारे से बांक्षिन को अलग अलग रहने के लिए कहा गया है और मन मार के हिस्से, पर अभी वो दोनों अलग अलग हैं। हमारे बांक्षिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और ये रात बहुत बड़ी उनको लग रही है। टाइम बीत ही नहीं रहा है, ओहो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उन्हें। हमारा विंग तो कंट्रोल कर नहीं पाया, वो जल्दी से बेड से उठा, उसने अपने पास से एक रिबन निकाला, वो थोड़ा सा ब्रॉड था, मोटा सा था, तो वो धीरे 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 चुपके 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 उसे ले के हमारे प्यारी सी लंजा किए जिनसी के पास किया। दरवाजे से एंट्री करना तो उसे पसंद नहीं आया, तो वो चुपके चुपके खिड़की से कूद के हमारे लंजा के कमरे में गया। ऐसा करने की हिम्मत लैंड क्लैन में सिवाय विंग के और किसी की भी नहीं थी। तो लंजा को समझ आ गया कि उसके कमरे में इस तरीके से एंट्री किसकी है। हाँ हमारी लंजा को भी नींद नहीं आई थी, बिना विंग के उसे नींद कैसे आएगी। तो वो भी बस अपने बेड में करवटे ही ले रहा था आंखें बंद करके। उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि उसका विंग उसे मिलने आया है। तो फिर हमारे प्यारे से विंग ने जब देखा कि उसका प्यारा सा हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड सो रहा है, तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो जल्दी से गया और हमारे प्यारे से लंजा को आँखों पर उसने पट्टी बांध दी और उसने कहा धीरे से, लंजा क्या तुम सो रहे हो, प्लीज़ ना उठ जाओ। देखो मैंने तुम्हें आँखों पे पट्टी बांध दी है, इसकी वजह से तुम मुझे नहीं देखोगे, पर मैं तुम्हें देख सकता हूँ क्योंकि मैं कोई लैंड क्लैन का मींस कोई हूँ तो सदस्य तो हूँ नहीं, मेंबर नहीं हूँ, तो ये नियम तुम संभालो, मैं नहीं संभालना। और इस तुम्हारे आँखों पे पट्टी है इसलिए तुम तो कोई नियम तोड़ोगे नहीं, तो और मुझ पे कोई नियम लागू होता नहीं, तो सब ओके ओके है ना। प्यार इस लंजा ने कहा। विंग ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है, शादी के बाद मैं नियम मानूंगा पक्का। तो फिर लंजा ने कहा तो ठीक है। तो हमारा प्यारा सा विंग और हमारा लंजा, विंग हमारे लंजा के गोद में अपना सर रख लिया था और हमारा लंजा अभी भी अपनी आँखों पर पट्टी बांधा हुआ था। हमारा विंग उससे बातें कर रहा था पूरी रात, उन्होंने सिर्फ बातें ही की। अब अप्रॉक्स 4 घंटे बीत चुके थे उनकी बातें हो रही थी और अब 4 बज चुके थे। 1 घंटे में हमारे वांगजी को उठना था। तो हमारे प्यारे से विंग ने कहा लंजा वैसे तुम्हारे अंकल चिरान, तुम्हारे अंकल को तो पता नहीं है कि मैं ही खरगोश हूँ, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम मुझे खरगोश बना दो, मैं हमेशा तुमसे मिलते आते रहूँगा। विंग एकदम एक्साइटेडमेंट से कह रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके। मैं लंजा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं विंग ने कहा क्यों, उसने पाउट कर लिया। तो मैं लंजा ने कहा विंग आज मैं तुमसे मिल रहा हूँ पर अब से नहीं। तो मैं प्यार से विंग ने पाउट करते हुए कहा क्यों, अब तुम्हें विंग नहीं चाहिए। मैं लंजा ने कहा विंग मस्ती मत करो, ये रूल है और मैं अब नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारे लिए भी नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहा। तुम्हारे विंग ने कहा ठीक है मत तोड़ अपने लैंड क्लैन का रूल। अब वो नाराज़ हो गया, वहाँ से जाने ही वाला था। तुम्हारे प्यारे से वांगजी ने उसे पकड़ा और एक पैशनेट और बहुत ही डीपली किस किया और तब कहा लव यू। और हमारा प्यारा सा विंग तो शर्मा गया और वो वहाँ से भाग गया और हमारा लंजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ऑफकोर्स किसकी वजह से, हमारा प्यारा सा विंग चैन चैन बन गया। अब हमने छोटे 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 पैरों से यहाँ से वहाँ अपने कमरे में चला गया। अब बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा। तो हमारे लंजा ने अपनी आँखों की पट्टी खोली, विंग के कपड़े को अच्छे से फोल्ड किया और अपने कमरे में उसे छुपा दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी उठ चुके थे, हमारा लंजा तो सोया ही नहीं था तब भी वो उठ गया, रेडी हुआ और वो हॉल में आया जहाँ पर सभी वहाँ थे। हमारा विंग भी आया, मींस टियान टियान आया और
जिन्हें पता था कि ये चियान चियान कौन है, वो तो बड़े मज़े लेने वाले हैं अभी। तो फिर हमारे प्यारे से लैन सिचान ने चियान चियान को गोद में उठाया और तब हमारे अंकल चिरान ने कहा, सिचान कि क्या है तुम सभा के बीच में ये खरगोश के साथ खेलोगे? अभी इसे भी बाहर फेंक के आओ, ये न जाने कहाँ से चलाया। हमारा वांगती तो डर गया, उसने कहा, अंकल ये खरगोश है। तो हमें अंकल चिरान ने कहा, तो क्या सिचान जल्दी से इस खरगोश को बाहर फेंक के आओ, न जाने कैसे ये यहाँ आ गया। तुम्हारे प्यारे से सिचान ने कहा, अंकल ठीक है मैं इसे कुछ दिनों में छोड़ आऊँगा, तब तक के लिए अभी आप इसे यहीं रहने दीजिए ना। तो फिर हमारे अंकल चिरान ने कहा, सिचान ने कहा, अंकल प्लीज़ मेरे लिए, मैं फिर कुछ दिन इसे रखूँगा, उसके बाद मैं इसके असली ओनर को इसे दे दूँगा। हमारे लैन सिचान का इशारा हमारे लंचा की तरफ था और हमारा प्यारा सवांगजी शायली उसके कान रेड रेड टमाटर की तरह हो गया। तब भी उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था और हमारे प्यारी सी लैनी को बड़ा मज़ा आ रहा था इसे देखकर। तो उसने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है हम लोग सभा आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि वो लोग बातें कंटिन्यू करते, एक क्लैन का डिसिपल वहाँ दौड़ते आया। उसने कहा, क्लैन लीडर। तो फिर जल्दी से वहाँ पर सिचान ने उसे संभाला और कहा, क्या हुआ? तो उसने हाँफते हुए कहा, वो। तो फिर अंकल चिरान ने कहा, पूरी बात बोलो जल्दी से। तो उसने सांस ली पूरा और तब उसने कहा, हमारी सीमा पर हलचल हो रही है, एक सीमा की तरफ हमला हुआ है। हमारा वांगजी लैन सिचान अंकल चिरान वहाँ सभी जो थे शौक हो गए, हमारा विंग भी। और तब वांगजी ने कहा, क्या मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा। हमारे लैन सिचान ने कहा, नहीं वांगजी तुम्हारी कुछ दिन में शादी होने वाली है और मास्टर वे को ये अच्छा नहीं लगेगा। तब हमारे लंजा ने चियान चियान की तरफ देखा और कहा, वो समझ जाएगा कि मेरी क्लैन है और मैं यहाँ का वार्ड जनरल हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीमा पर जो कुछ भी हो रहा हो मैं उसे संभालूँ। ब्रदर आप यहीं रुकिए, मैं अभी जाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि शादी की तारीख से पहले आ जाऊँ, वरना आप विंग को कह दीजिएगा कि कुछ दिन बाद हम लोग शादी करेंगे। वो ऐसा कहकर हमारे प्यारे से लैन सिचान के हाथों से वह खरगोश लिया और तब हमारे अंकल को उसने बो किया और कहा, अंकल मुझे परमिशन दीजिए। तो फिर अंकल चिरान ने भी कहा, वांगजी अपना ध्यान रखना ठीक है और जाओ। हमारे प्यारे से वांगजी ने तब वहाँ से बाहर निकले उस कमरे से और तब उस लैंड लीडर के उस पर्सन को कहा, डिसाइपल को कहा कि तुम जाओ और बाहर गेट पर इंतज़ार करो मेरा, मैं अभी आता हूँ। हमारे प्यारे स्वांगजी ने जल्दी से एक पेड़ की तरफ वो गया जहाँ पे कोई नहीं था, उसने हमारे प्यारे से टियान टियान को किस किया और तब उसने कहा, विंग। तो विंग ने कहा, लंजा तुम जाओ पर हाँ तुम्हें वापस आना होगा, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए कि तुम विंग को भूल जाओ और तुम्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे प्यारे से वांगजी ने कहा, विंग मैं जरूर बहुत अच्छे से प्रॉपर अपना रेस्ट करूँगा, अपना ख्याल रखूँगा और तुम्हारे जो हस्बैंड है ना वो बहुत स्ट्रांग है, कोई उसे छू भी नहीं सकता, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारे प्यारे से विंग ने कहा, ठीक है लंजा ध्यान रखना। और तब हमारे प्यारे से विंग ने हमारे प्यारे से लंजा को उसके गाल पे दो छोटे छोटे किस किया और कहा, हस्बैंड ध्यान रखिएगा, और वो वहाँ से भाग गया। ऑफकोर्स हमारे वांगजी ने उसे रोब्स पहना दिए थे, उसी के रोब्स उसने अपने फ्रंटल रोब्स विंग को पहना दिए थे। तो विंग वहाँ से सीधे अपने कमरे के लिए भाग गया और हमारा वांगजी वहाँ से अपने जिंजी में गया, उसने अपनी ड्रेस चेंज की और तब वहाँ से वो वॉर के लिए मीन्स क्या प्रॉब्लम हुई है उसे देखने के लिए चला गया। तो चलिए अभी हम लोग कुछ टाइम स्किप करते हैं, ऑलमोस्ट 2 वीक्स के टाइम को हम स्किप करते हैं और आज है हमारे प्यारे से वांगशिन की शादी का दिन। और हमारा विंग उदास अपने कमरे में बैठा हुआ है क्योंकि
अभी तक लंजा की तरफ से उसके लिए कोई भी मैसेज नहीं आया, और कोई भी मैसेज जो वहाँ लंजा के लिए उसने भेजा था या उसके ब्रदर ने, उसकी मम्मा ने भेजा था, किसी का भी रिप्लाई अभी तक लंजा की तरफ से नहीं आया था। और सिर्फ विंग ही नहीं, पूरा लैंड क्लैन बहुत ज़्यादा चिंता में था कि आखिर क्या हो रहा है। और हमारा प्यारा सा विंग तो ऑलमोस्ट रोने ही वाला था, और तब वहाँ पे लानी और लैंड से जाना है, और तब विंग ने उन्हें ग्रीट किया और कहा आप नहीं यहाँ। तो फिर हमारे प्यारे से लैंड से जाने स्माइल करते हुए कहा तुम्हारा हस्बैंड आ गया है, तो जल्दी से तुम प्रिपेयर हो जाओ, शादी भी तो करनी है ना तुम्हें। हमारा विंग ने कहा क्या लंजा आ गया, वो ठीक तो ना, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी ना, और उसने खाना खाया ना, हज़ारों क्वेश्चन। तब हमारे प्यारी सी लैनी ने स्माइल करते हुए कहा वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो ज़्यादा एक्साइटेड है शादी करने के लिए तुमसे, तो चलो तुम भी रेडी हो जाओ, ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ और ये सर्वेंट्स तुम्हें हेल्प कर देंगे। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। और तब हमारी प्यारी सी लैनी ने कहा विंग अच्छे से तैयार होना, ठीक है। तो विंग ने भी स्माइल करते हुए कहा ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश था ये जानकर कि उसका लंजा ठीक है, और अब तो उसकी खुशी दुगनी हो गई थी क्योंकि फाइनली वो अपनी लंजा से शादी करने वाला, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसके लिए। और तब वो दोनों लैन सी चैन और लैनी वहाँ से चले गए, और यहाँ जिंशी में हमारा प्यारा सा लंजा वापस आ चुका था वॉर से, तो वो रेस्ट करा था, उसने प्रॉपर 2 घंटे के पहले रेस्ट लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ या बहुत ज़्यादा पूरा अपनी शादी में नहीं दिखना चाहता था। ऑफ कोर्स लंजा ब्यूटी ट्रीटमेंट तो नहीं कराता था, पर ऐसा भी नहीं था कि उसे एकदम मरियल जैसा फीलिंग चाहिए था अपनी शादी वाले दिन, तो ऑफ कोर्स उसने बहुत ही पहले प्रॉपर रेस्ट लिया अप्रॉक्स 2 घंटे का। उसके बाद वो उठा, उसने फ्रेश हुआ, उसने बात लिया अच्छे से, और फिर उसने अपनी शादी के रेड रोब्स पहने। उसमें हमारा लंजा तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा। ऑफकोर्स लंजा ने भी खुद को एक बार तो शीशे में देखा, और उसे देखकर चेहरे लंजा के भी बड़े प्यारे से लंजा के चेहरे पर स्माइल आ गई। और तब वो वहाँ से शादी के मेन हॉल के लिए चला गया। हमारा विंग भी अब रेडी हो गया था, ऑफकोर्स उसने काफ़ी टाइम लगाया था अपनी लंजा के लिए रेडी होने में, क्योंकि इन 1-2 हफ्तों में उसने भी खुद की हालत बहुत अच्छी नहीं रखी थी, तो उसने भी खुद ट्रीटमेंट कराए थे ब्यूटी ट्रीटमेंट ताकि वो थोड़ा सा ढंग से दिखे अपनी शादी में, तो उसे भी टाइम लगा। तब उसके बाद दोनों ही मेन हॉल की तरफ पहुँचे। ये बहुत ही ब्यूटीफुली तो सजाया नहीं गया था, ऑफकोर्स ये लैंड क्लैन है, पर हाँ वहाँ रेड रोप से डेकोरेशन हुआ था, लैंटर्न्स छोटी छोटी लगी थी, बहुत ही क्यूट सी लग रही थी, और थोड़ा डेकोरेशन था अच्छे से। वहाँ पे बाहर से ज़्यादा लोग नहीं आए थे क्योंकि ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वहाँ पे बस फैमिली मेम्बर्स थे और लैंड के एल्डर्स थे और डिसाइपल्स थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। तब हमारे प्यारे से वांगशेन की एंट्री हुई, दोनों ही रेड रोप से बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। किसी ने भी वेल नहीं पहना था, ऑफ कोर्स दोनों ही मेंस थे तो उन्हें वेल पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमारा विंग और लंजा ने जब एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आँखों में देखा, तो वो दोनों मानो खो ही गए। पूरी 2 हफ्ते से वो दोनों दूर थे, एक बाहर था गुसू की प्रोटेक्शन कर रहा था, तो एक अपने ही मन को बांधे हुए संभाल के रखा था कि उसका लंजा बिल्कुल ठीक होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। मैं तो चाहता था कि वो उसकी हेल्प करे, पर वो कैसे चाहता, वो भी तो खरगोश था, त्यान त्यान था और वीक था, उसके पास तो उसकी खुद की कोर भी नहीं, तो वो कैसे हमारी प्यारे से लंजा की हेल्प करता। और रही बात उसकी चनचन की, तो उसने भी उसे तो जियांग चन ने ले लिया था, तो उसके पास कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से वो हमारे प्यार से लंजा की हेल्प कर सकता, तो इसलिए वो थोड़ा सा फ्रीड था अपनी लंजा के लिए। पर जब उसने लंजा को उस रेड रोप्स में देखा, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड देखा, तो
हमारे बींग की सांसों में सांसें आ गई, एकदम ब्यूटीफुल इसने स्माइल किया और हमारे लंजा के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। कितने दिनों के बाद हमारे लंजा ने स्माइल किया था, वो स्माइल बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और तब हमारे प्यारे शिवांशन मेन हॉल में गए, उन्होंने अपने एंसेस्टर्स के सामने बो किया, फिर अर्थ हेवन एक दूसरे की तरफ बो किया और फाइनली हमारे प्यारे से लंजा ने अपने फॉरहेड रिबन को निकालकर हमारे प्यारे से बींग के हाथों में बांध दिया। और तब हमारे बींग ने पूछा, लंजा ये तो तुमने पहले भी बांधा है ना मुझे, तो क्या ये कोई रस्म है? हमारे लंजा ने कहा, हाँ बींग, हम दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं, मैंने पहले से ही तुम्हें ये बांधा था और हमने हमारे जस्टिस के सामने वो भी किया था, इसलिए हम दोनों मैरिड ही हैं। बींग शॉक हो गया था और उसने बाकी सब की तरफ देखा और बाकी सबको तो पता ही था, तो कोई शॉकिंग रिएक्शन नहीं आया, बस बींग शॉक था। तो फिर बींग ने पॉट करते हुए कहा, लंजा तुमने तो मुझे कभी कहा ही नहीं। तुम्हारा बांग जी ने छोटी सी बस प्यारी स्माइल दे दी इस बात पर और हमारे बींग ने पॉट कर लिया। और तब उन दोनों के सामने ही वेडिंग के लिए उनकी वेडिंग ड्रिंक्स आई, यूजुअली वो अल्कोहल होती है पर यहाँ लैंड क्लैन में अल्कोहल अलाउड नहीं है, तो वो टी थी। हमारा बींग ने तो कहा, ओहो शादी के टाइम में भी मैं पी नहीं सकता, उससे गुस्से में ही कहा, विस्पर किया, बड़बड़ाया और हमारे लंजा स्माइल कर रहा था। तो हमारे प्यारे से लंजा ने कहा, बींग क्या है? तो बींग ने कहा, ठीक है पीता हूँ। तब हमारे प्यारे से वांशन ने फाइनली आखिरी रिचुअल भी पूरा कर लिया। तो फिर हमारे प्यारे शिवांशन अब फाइनली मैरिड हैं। और तब हमारे प्यारे से लंजा ने सबसे पहले गया और अंकल को, और बींग ने जाकर सबसे पहले हमारे अंकल चिरायन के ही ब्लेसिंग्स लिए। वैसे तो अंकल चिरायन खुश नहीं थे पर हाँ वो वहाँ आए थे, भला उनके सबसे प्यारे नेफ्यू की शादी है वो कैसे नहीं आते, और यहाँ तक की डेकोरेशन जो भी हुई थी वो अंकल चिरायन ने ही करवाया था। हाँ ये बात सबसे हाइट ज़रूर थी, सबको लगा था कि वो नहीं आएंगे पर किसी न किसी बहाने से वो आ ही गए। और वांगजी को देख के बहुत अच्छा लगा कि उसके अंकल आए, उसने अपने अंकल को कहा, उसकी तरफ देखा और उन्हें एक टाइट हग दिया। ये पहली बार था जब हमारे वांगजी ने इतने दिनों के बाद अंकल को हग किया। हाँ जब हमारा वांगजी छोटा था तो वह ऐसे फादरली हग या सन हग कर देता था, पर बड़े होने के बाद की पहली बार था हमारे अंकल की आँखों में भी आंसू आ गए। और तब मैं वांगजी ने कहा, अंकल थैंक यू सो मच, आपने अब यहाँ आए, मुझे लगा था कि आप कभी नहीं आएंगे। तो फिर अंकल चिरा ने इस पर तो कुछ नहीं कहा और वो बस वहाँ से चले गए। और तब हमारे बींग और हमारे लंजा ने फिर उनकी मदर को के सामने गए और उनकी ब्लेसिंग के लिए अपने गगा को दोनों ने हग किया। और तब फाइनली वहाँ से वो दोनों जाने ही वाले थे, पर उसके बाद हमारी प्यारी सी बींग की ग्रैंड माई पाउसन सेरन आई और तब बींग जल्दी से गया और उन्हें हग कर दिया और तब पाउट करते हुए कहा, अब कहाँ थी, अब आई क्यों नहीं? तब हमारी पाउसन सेरन ने कहा, मुझे पता है मुझे यहाँ रहना चाहिए था पर इससे ज़्यादा ज़रूरी काम मैं कर रही थी। तो बींग ने पाउट करते हुए कहा, अच्छा मेरी शादी से ज़्यादा ज़रूरी भी आपके लिए कोई काम है? तो पाउसन सेरन ने कहा, हाँ है ना। तो हेलो वांगशे लवर्स, एनी जन लवर्स, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आखिर बींग की और लंजा की शादी से बड़ा काम क्या है पाउसन सेरन के लिए और वो कहाँ गई थी और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो ऑलवेज लव वांगशे एनी जन। Bye bye guys and take care of yourself. Bye.